हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा वर्कशीट है थर्ड क्लास की, जिसकी जो है सीरियल नंबर है वो है 12 और जो हमारी डेट है वो है 17 अप्रैल 2021। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्लास के बाद अपना जो सेक्शन है वो मेंशन कीजिए। कौन से सेक्शन में आप पढ़ते हैं, ए में पढ़ते हैं, बी में पढ़ते हैं, सी में पढ़ते हैं, डी में, इसको जरूर मेंशन कीजिए साथ में। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखो और अपनी टीचर का नाम लिखो। तो इस प्रकार से अपनी जो आपकी जो ये होगी फिल हो जाएगी। तो शुरू करें, तो शुरू करने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। हेलो माई डियर चिल्ड्रन, टूडे वी हैव अ कलरफुल एक्टिविटी फॉर यू। वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। आज हम क्या प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स के बारे में जानेंगे। कैन यू नेम द कलर्स इन द गिवन पिक्चर। हम दे कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं, हाँ कौन कौन से यूज़ हुए हैं इसमें। एक तो ये देखो रेड यूज़ हुआ है, येलो यूज़ हुआ है और ब्लू यूज़ हुआ है। ठीक है, ब्लू ये रहा, येलो ये रहा। ठीक है, अब क्या है, एज़ यू राइट रीड रेड ब्लू येलो। देखो हम जो हमने बताया था, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। ये क्या है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, कि सेकेंडरी कलर्स आर मेड बाई मिक्सिंग दीज थ्री प्राइमरी कलर्स। अब जब हम इन तीनों को किसी ना किसी कम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो एक नया कलर बनता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। डू यू वॉन्ट टू हैव सम मोर फन, लेट अस मिक्स द फ्लोइंग कलर्स एंड फाइंड आउट द सेकेंडरी कलर्स। यूज़ वाटर कलर्स, क्रियोन्स, पेंसिल कलर्स टू मिक्स एंड मेक सेकेंडरी कलर्स। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कलर को ना यूज़ करके देखना कि कौन से बनते हैं। मैंने करके देखा तो जो रेड और येलो को जब आप मिक्स करोगे तो आपका बनेगा ऑरेंज कलर। कौन सा बनेगा आपका, ऑरेंज कलर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑरेंज बनना है। जब ब्लू और येलो को जो आप मिक्स करेंगे आपका जो है ग्रीन कलर बनेगा। कैसा बनेगा आपका ग्रीन, ये आप करके भी देख सकते हो ग्रीन कलर। ठीक है, और अगर आप रेड को और ब्लू को करेंगे तो आपका जो है पर्पल कलर बनेगा, पर्पल पर्पल। ठीक है, इसको आप करके देखें। ठीक है, ऑरेंज बनेगा रेड और येलो से, ब्लू और येलो से ग्रीन, और रेड और ब्लू से बनेगा पर्पल। चलो आप आगे बढ़ते हैं कि नाउ ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, एनिमल, थिंग। आप कोई सा भी क्या है ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एनिमल बना सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो, और उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी कलर का यूज़ करो। ठीक है, जैसे आप एक रंगोली बना सकते हैं। ठीक है, रंगोली में से छोटा सा बना देंगे, पहले आप डिज़ाइन बनाना पेंसिल से। ठीक है, फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, जौन सा भी आपको डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए आप, हमने सेकेंडरी कलर तो यूज़ ही कर लिया, अब हम सेकेंडरी कलर ये ऑरेंज भी यूज़ कर लेते हैं। प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे कौन सा, लाल, लाल ये वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ब्लू यूज़ कर सकते हो आप। तो इसको कलर को यूज़ करके जो है आप अपना कोई भी चित्र बना सकते हैं। और बच्चों के साथ मिट्टी के दिए, गमले, गुल्लक, बड़े गमले को रंग सजाएंगे। क्या आप घड़े हो, घड़े होता है आपके घर, छोटे छोटे गुल्लक हो तो उनको रंग से सजाएं और बहुत अच्छा बनाएं। तो बच्चों ये आपकी थर्ड क्लास की वर्कशीट, आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको ध्यान रखना है, बी अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस, सो प्लीज़ वियर योर मास्क एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस अप टू 6 फीट और 2 यार्ड्स। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।